है hey फ्रेंड्स आज देखिए हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं इसके लिए बहुत दिनों से क्वेरी आ रही थी कि, कि कोई वीडियो बनाइए इसके ऊपर तो मैंने सोचा चलिए बना देता हूँ क्योंकि इसमें जो है बहुत से इन्वेस्टर हैं जो ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं जिन्होंने बहुत ऊपर के लेवल पर ख़रीदारी करी है और अभी जो है ये सिर्फ़ सोलह रुपये और नब्बे पैसे पर चल रहा है कल ही इसने अपना ऑल टाइम लो लगाया है सोलह रुपये पिचासी पैसे का तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे साथ ही साथ आप अगर कोई स्टॉक डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ चाहते हैं आपके हम उस पर एक एनालिसिस वीडियो बनाएं पूरा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो उसके ऊपर बनाई जाए तो चलिए शुरू करते हैं देखिए ये जो कंपनी है इसमें अगर आप एक दिन में देखेंगे तो गिरावट रही है एक महीने का चार्ट देखें तो उसमें भी गिरावट है लगभग सोलह की एक साल का अगर चार्ट हम देखते हैं इसका तो इसमें भी देखिए माइनस में ही है एक शेयर और लगभग सैंतीस परसेंट के माइनस में है तो बहुत ही नेगेटिव रिटर्न हैं सारे के सारे हाँ अगर पाँच साल का हमें एक चार्ट देखें तो इसमें एक हमें पॉजिटिविटी दिखाई देती है और लगभग लगभग चार परसेंट के रिटर्न इसने दिए हैं तो देखिए क्या हुआ था एक्चुअली ये कंपनी जो है कभी दो रुपये तीन रुपये ट्रेड किया करती थी ये डेढ़ रुपये तक भी थी देखिए और इसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है कि इसे जो है अडानी सॉरी अंबानी जी ख़रीदने वाले हैं उसके बाद ये तिरपन रुपये तक गया तो कई लोगों ने इसमें एंट्री ली तीस पे चालीस पे पचास पे भी एंट्री ली तिरपन पे भी एंट्री ली और जिन्होंने यहाँ पर एंट्री ली वो इसके बाद इसमें फंस गए क्योंकि इसके बाद इस ये नीचे ही चलता चला गया और निकलने का मौका इसमें बहुत कम मिला लोगों को ऊपर के लेवल पर फंस गए थे तो देख लेते हैं देखिए कौन सी कंपनी है ये कंपनी का नाम है देखिए आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड और ये टेक्सटाइल की कंपनी है जो कि अडानी सॉरी अम्बानी जी ने इसको खरीदा हुआ है और तभी ये जो है शेयर बढ़ा भी था अभी देखेंगे इसके फंडामेंटल्स और क्या कहते हैं इसके टेक्निकल्स वगैरह तो चलिए चलते हैं आज के हम लेवल भी देखेंगे कहाँ तक इसके लेवल जा सकते हैं और क्या करना चाहिए आगे मैं अपना भी उसमें दूंगा और इसे देखिएगा कि ये एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ मैं तो अगर इन्वेस्ट आपने करना है तो अपने ऊपर इस पर कीजिएगा कंपनी देखिए टेक्सटाइल में काम करती है ये टेक्सटाइल की कंपनी है और लेदर का भी काम करती है कंपनी कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो आठ हज़ार तीन सौ इक्यानवे करोड़ की कंपनी है करंट प्राइस है सोलह रुपये नब्बे पैसे और वावन वीक का हाई देखें तो पैंतीस रुपये अस्सी पैसे का है और अगर लो देखें तो यही है सोलह रुपये अस्सी पैसे का बुक वैल्यू माइनस में है डिविडेंड कंपनी देती नहीं है आर ओ सी ही है चार परसेंट का कंपनी की सेल्स देखेंगे तो देखिए ये होती थी कभी सात सौ फिर जून में तीन सौ सत्तर आठ सौ तेरह ये ये दिसंबर तक सॉरी दिसंबर 2020 के बाद ये बढ़ी है और 2021 तक बहुत अच्छी एक सेल्स में इसमें ग्रोथ आई थी इसका कारण था पी, -पी किट का क्योंकि इसे एक पी, पी किट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया था उसके बाद लेकिन जैसे ही कोविड कम हुआ उसके बाद फिर से देखिए सेल्स इसकी गिरने लगी और लगातार गिर ही रही है पिछले तीन क्वार्टर से इसकी जो सेल्स से है वो फिर से माइनस में जाने लगी है देखिए कंपनी ने एक बार प्रॉफिट भी किया है लेकिन उसके बाद जो है हमेशा लॉस में ही है कंपनी तो बहुत अच्छे सेंटिमेंट्स से कंपनी के लगते नहीं हैं इसके मुझे अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो देखिएगा कि एक बार कंपनी संभलने लगी थी लेकिन फिर से अब पिछले तीन क्वार्टर से माइनस में ही जा रही है और ये जो है लॉस बढ़ता ही कम जा रहा है कंपनी का कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं देखिए रिजर्व जो है कंपनी के पास पहले कभी हुआ भी करते थे लेकिन अब तो सिर्फ माइनस 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 अट्ठारह करोड़ है और बोरोइंग कर्जा देखिए हमेशा बढ़ता गया जो कर्जा कभी अट्ठारह करोड़ का होता था आज चौबीस करोड़ का कर्जा है और कंपनी की आपने वैल्यू देखी जो मार्केट कैप है सिर्फ आठ हज़ार करोड़ का है लास्ट में शेयर होल्डिंग का पैटर्न देख लेते हैं तो बस एक चीज़ ही इसमें स्ट्रॉन्ग इस दिखती है जो ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न कभी छः परसेंट का हुआ करता था इसके बाद पिछहत्तर परसेंट का ये अभी हो गया है और एफ आई भी इसमें इन्वेस्टेड हैं और पब्लिक के पास है सिर्फ बाईस परसेंट तो ये एक अच्छी बात है लेकिन ओवरऑल कंपनी जो है नेगेटिव में है कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएँ इसमें मुझे दिखती नहीं है तो मेरा जो पर्सनल व्यू रहेगा वो यही रहेगा कि मैं तो इसमें इन्वेस्ट करूँगा नहीं तो लास्ट में मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी फ्रेश एंट्री इसमें ना लें बाकी जिसने भी एंट्री इसमें ले रखी है थोड़े बहुत प्रॉफिट में है या थोड़े बहुत लॉस में है तो निकल जाएँ और अगर चाहते हैं आप इसमें बना रहना तो आपकी इच्छा है पर मेरे हिसाब से कंपनी में बने रहने में कोई फ़ायदा दिखता नहीं है मुझे तो चलिए फिर देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत